गुड मॉर्निंग और नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है सुशील और मैं आप सभी का कंपाउंड इंटरेस्ट के दूसरे लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से जुड़ जाइए और स्टार्ट करेंगे फिर हम क्लास को। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूं, भीम सिद्धू हैं, देवी साई, पूनम, सुशील, मोनिका, विशाखा, आंचल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी मुझे बताइएगा। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरी क्लास में और बहुत खुशी होती है रोज़ आप सभी से मिलकर। आंचल, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। और बताइए, सीखने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी बताइएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पेपर में क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उससे फंसते हैं या नहीं फंसते हैं ये भी बताइएगा। सिलेबस अच्छे से कवर अप हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी बताइएगा। सभी बातों का जवाब दीजिएगा। मैं तब तक ये क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है प्रिंसिपल है 17190। अच्छा, पीडीएफ अभी तक की हर एक क्लास की पीडीएफ ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की जहां तक बात है, मैंने आपको बताया था फेसबुक पर आप मुझे सर्च कर लीजिए सुशील सिंह राजपूत नाम से, सुशील सिंह राजपूत, इस नाम से सर्च कर लीजिए सुशील सिंह राजपूत फेसबुक पर। फेसबुक पे सर्च करने के बाद आपको मेरी पोस्ट दिख जाएंगे सारे। उन्हीं में से पीछे जाएंगे तो किसी एक पोस्ट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अब डेली तो मैं अपडेट नहीं करता हूं, लेकिन मैंने पीछे टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है और वहां पर गिवन है, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी आज बच्चे नए भी जुड़े हैं। नरेश कुमार भाई गुड मॉर्निंग, रजत, सुनील, मोनिका, राजीव, सभी को नमस्कार। सुनील, रजत, नरेश, मोनिका, रजत कह रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है सर, नरेश कह रहे हैं समझ में आ रहा है सर, विशाखा कह रही हैं आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक। विशाखा देखो, टेलीग्राम चैनल का लिंक तो मैं यहां पर नहीं डाल सकता। नरेश कह रहे हैं एवरीथिंग इज गोइंग ऑसम, थैंक यू भाई। विशाखा मैंने आपको बताया कि आप फेसबुक पे जाके फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल है आपका 17190 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और 5%, टाइम है 2 साल, सीआई माइनस ऐसा ही बताना था। मैंने कल ही आपको बताया था दो साल के लिए सीआई माइनस एसआई का फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर लेना, एक्स इंटू वाई बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल, एक्स इंटू वाई बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना। यहाँ पर x और y की वैल्यू 12 और 5 है तो सी आई माइनस एस आई बराबर आ जाएगा 12 गुणा में 5 बटे में 100 गुणा में 100 और गुणा में प्रिंसिपल 17190। 0 से 0 कट गया, 12 पंचे 60,
ये 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 10314, नीचे दो जीरो लगी हुई हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 103.14। क्या आंसर आ जाएगा? 103.14। बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 720 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% एंड 4%, टाइम है 2 ईयर्स, तो आपको प्रिंसिपल बताना था, मूलधन बताना था, ठीक है। तो देखिए, CI माइनस SI बराबर, अभी आप जानते हैं x इंटू वाई बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल, तो CI माइनस SI इस बार दे रखा है 720 रुपये बराबर x इंटू वाई बाय 100%, 9 × 4 / 100 × 100% ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपको निकालना था। 9 × 4 = 36, 36 से ये कट जाएगा 20 पे, 4 जीरो इधर चली जाएंगी, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 20 के बाद 1, 2, 3, 4, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। बनाइए, ये आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका 3762 रुपये, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, टाइम है 2 ईयर्स, आपको प्रिंसिपल बताना था। अब देखो, डिफरेंस नहीं दे रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो था, 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल। ये सिर्फ उस प्रकार की रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में होगा जो ऐसी होंगी आपकी 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, इस प्रकार की रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में होगा, ठीक है। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 3762 रुपये बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9, तो 9 + 9 + 9 × 9/100% ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ से आ जाएगा 3762 बराबर 9 × 9 = 18, 9 × 81 = 18.81%, का 100 नीचे आ जाएगा गुणा में
प्रिंसिपल, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, नीचे दो जीरो और आ जाएंगे, 1881 से ये दो पे कट जाएगा, चार जीरो उधर चली जाएंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20,000। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 20,000, 20,000 बनाइए, ये आंसर है आपका। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 7245 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, टाइम है 2 साल, प्रिंसिपल बताना था। तो देखिए 7245 बराबर 7 + 7 + 7 × 7/100% ऑफ प्रिंसिपल। 7245 बराबर 7 × 7 = 14, 14.49/100 गुणा में प्रिंसिपल, ये पॉइंट हट के नीचे दो जीरो और आ जाएंगे, 1449 से ये पाँच पे कट जाएगा और प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 50,000 रुपये। प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 50,000 रुपए, बनाइए। तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं जो इस सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के फॉर्मूले से आराम से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहा है प्रिंसिपल है 16,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 1 साल और 73 दिन, 1 year and 73 days, आपको इतने टाइम का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 73 डेज को ईयर बना लो, 365 से डिवाइड करके ईयर बना लोगे, 73 से 365 डिवाइड होगा 1/5 ईयर बनेगा, मतलब टाइम हो गया आपका 1/5 ईयर, या फिर हम ये कह सकते हैं 1 year and 1/5 ईयर। तो आप इसको इस तरीके से पढ़िएगा, पहला साल पूरा कंप्लीट 1 year और दूसरे साल का मात्र कितना हिस्सा 1/5, 1/5, ठीक है भाई। तो अब देखो प्रिंसिपल कितना है 16,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, 16,000 का 1/20 करेंगे ये आएगा 800 रुपए, फिर 16,000 का 1/20 करेंगे
ये आएगा 800 रुपये, फिर 800 का 1/20 करेंगे ये आएगा 40 रुपये, 40 रुपीस। दूसरे साल का ब्याज कितना बना? 840 रुपये। दूसरे साल का ब्याज कितना बना? 840 रुपये। और पहले साल का ब्याज कितना है? 800 रुपये। लेकिन पहले साल का तो आपको कंप्लीट चाहिए, तो यहाँ पे तो 800 रुपये चाहिए आपको पूरे। पहले साल का तो कंप्लीट चाहिए, यहाँ पे तो 800 रुपये चाहिए, लेकिन दूसरे साल में मात्र 1/5 समय का चाहिए। ये दूसरे पूरे साल का है, आप इसका 1/5 कर देना, 1/5 हिस्सा निकाल लेना। ये आएगा 1, उसके बाद 6, 8, 168 आएगा। देखो 5 एकम 5, 5 के 30, 5/40, तो 1/5वें साल का हिस्सा होगा इसका 168, 168। तो 800 जमा में 168, ये हो जाएगा आपका 968, 968। तो आंसर आएगा 968 रुपये, 968 रुपीज़। बनाइए, ये आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10, टाइम है 1 साल 3 महीने, तो 3 महीने का साल बनाएंगे 3/12 यानी 1/4। तो यहां पे जो हमारा टाइम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 1 year and 1/4 year। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है, पहले साल का ब्याज पूरा लेना है और दूसरे साल के ब्याज का 1/4 हिस्सा लेना है, 1/4 लेना है। तो भैया ऐसा है, 10,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है 10% की दर से, यानी 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 1,000, फिर 1/10, ये कितना हो जाएगा 1,000, और 1,000 का 1/4 करेंगे 250, ये टोटल कितना हो गया 1,250, और 1,250 का 1/4 करने जाएंगे आप 1/10 था रेट ऑफ इंटरेस्ट, माफ कीजिएगा 1/10 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने क्या कर दिया, एक बटे दस, तो ये कितना होगा 100 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,100, लेकिन इसका 1/4 हिस्सा चाहिए, 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28, 5 = 275, यानी पहले साल का तो कंप्लीट लेंगे 1,000, दूसरे साल में सिर्फ 275 रुपये, आंसर आ जाएगा 1,275 रुपये, 1,275 रुपीज। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा इतने समय का, वो आएगा 1,275 रुपये, 1,275। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइएगा।
देखिए इसमें कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट है 302 रुपए 50 पैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 1 साल 73 दिन, आपको बताना था प्रिंसिपल। अब देखो, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, बहुत जबरदस्त। देखिए जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 5%, ये 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो 5% है ये 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो टाइम है यहां पे 1 साल 73 दिन, तो आप इसको जानते हैं, कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 साल एंड 1/5 साल, 1 year and 1/5 year, तो 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है 5%, तो 1/5 साल की कितनी होगी, आप 5% का 1/5 कर दीजिए, कितनी होगी, 1% होगी, 1%। अगर 1 साल में 5% ब्याज लगता है तो 1/5 साल में 1% ब्याज लगेगा, 1/5th part। तो अब आप क्या करिए, इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, और वही फॉर्मूला लगा दीजिए हमारा एक्स वाई वाला। देखिए ध्यान से, ब्याज है 302 रुपए 50 पैसे बटे में 0 लगा लो पॉइंट हटा के, बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100%, 5 + 1 + 5 × 1/100% ऑफ प्रिंसिपल, ये लग गया आपका। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 3025/10 = 5 और 1 6 और 0.05, तो 6.05/100 × प्रिंसिपल, ये पॉइंट तोड़ के नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, एक इस जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 605 से 3025 5 पे कट जाएगा और 1000 इधर से ऊपर गुणा हो जाएगा 1000, तो प्रिंसिपल की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 5000, प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5000, 5000 बनाइए।
चलिए उसी तरीके से ये अगला क्वेश्चन करिए। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, टाइम है 1 साल 6 महीने, तो ये हो जाएगा 1 साल और 1/2 साल, ठीक है। तो 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 6%, तो 1/2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 3%। 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 6%, तो 1/2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 3%, 3%, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका 4,590 रुपये, 4,590। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4,590 इज इक्वल्स टू 6 + 3 + 6 × 3/100% ऑफ प्रिंसिपल। 4,590 इज इक्वल्स टू 6 और 3 9, 9,180 upon 100 × 100 × प्रिंसिपल। इससे ये कट जाएगा आपका 5 पे, 0 उधर चली जाएंगी, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50,000, 50,000। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत, डाउट, परेशानी नहीं होगी, हाँ या ना?
अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट है 9930 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 3 साल, प्रिंसिपल और अमाउंट बताना था। अब देखो भाई, 3 साल आ गया, अब टाइम क्या आ गया, 3 साल, 3 ईयर्स, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% बन जाएगी 1/10, 1/10 को उल्टा करेंगे 10 और इसकी पावर 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 1000, 1000 का 1/10 हो जाएगा 100 रुपए, फिर 1000 का 1/10 हो जाएगा 100 रुपए, 100 का 1/10 हो जाएगा 10 रुपए, फिर 1000 का 1/10 हो जाएगा 100 रुपए, फिर यहाँ पर 10 रुपए का ब्याज, इस पर भी ब्याज लगेगा 10 रुपए का और इस पर भी लगेगा 1 रुपए का। तो 2 साल तक का तो आप करते आ रहे थे, 2 साल तक का तो आप करते आ रहे थे, तीसरे साल में सिर्फ क्या होगा, सबसे पहले प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा, उसके बाद दूसरे साल और पहले साल के हर एक ब्याज पर ब्याज लगेगा, दूसरे साल और पहले साल के हर एक ब्याज पर ब्याज लगेगा, ठीक है। तो इसको, ये हो गया पहले साल का ब्याज, ये हो गया दूसरे साल का ब्याज, ये हो गया तीसरे साल का ब्याज, टोटल करेंगे 3 साल का ब्याज, तो टोटल करिए, ये आ रहा है आपका 331 रुपए, 331 की वैल्यू है 9930 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए, तो 1000 यूनिट की वैल्यू 30 के हिसाब से हो जाएगी आपकी 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। ये तो हो गया जी आपका प्रिंसिपल। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है आपका 9930 रुपए, तो अमाउंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30,000 जमा में 9930 रुपए, और ये आ जाएगा आपका 39,930 रुपए, 39,930 रुपए। बनाइए, ये अब 3 साल का हो गया आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका, अमाउंट है 1,45,800 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.2%, टाइम है 3 साल, आपको प्रिंसिपल बताना था और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था।
तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है आपकी, 1/8। रिवर्स करेंगे 8 पावर 3 करेंगे 512, 512 का 1/8 करेंगे 64, फिर 512 का 1/8 64, 64 का 1/8 8, फिर 512 का 1/8 64, यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो भैया ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, ये तीसरे साल का ब्याज, इसका टोटल करेंगे ये आएगा 217 रुपये। 217 में 512 जोड़ेंगे, अमाउंट की यूनिट आएंगी 729 रुपये। तो 729 की वैल्यू है 145,800 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू। तो 512 यूनिट की वैल्यू 200 के हिसाब से हो जाएगी आपकी 102,400 रुपये। ये तो हो जाएगी आपकी, आपका प्रिंसिपल, ठीक है। और इंटरेस्ट निकालेंगे 217 यूनिट 200 के हिसाब से 43,400 रुपये, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। बनाइए, आंसर है। और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, एक बार बता तो दो कमेंट वगैरह करके। नेक्स्ट 11.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम है 3 साल, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 1,000 रुपये। आपको प्रिंसिपल बताना था, मूलधन बताना था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 1/9। 1/9 को उल्टा करेंगे 9 पावर 3 करेंगे 729, 729 का 1/9 करेंगे 81 रुपये, फिर 729 का 1/9 81 रुपये, फिर 81 का 1/9 9 रुपये, फिर 729 का 1/9 81 रुपये, यहाँ पे आ जाएगा 9 रुपये, यहाँ पे भी आ जाएगा 9 रुपये और यहाँ पे आ जाएगा 1 रुपये। इसका टोटल करेंगे आप, क्या है तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 1,000, तो सिर्फ तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल करिए, तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल करेंगे 81 और 9 90 और 9 99 और 100। इस 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 1,000 के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 729 की वैल्यू 10 के हिसाब से हो जाएगी 7,290 रुपये। ये तो आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, बस प्रिंसिपल ही पूछा गया था, आंसर आ जाएगा 7,290 रुपये। चलो भाई, अब पहले एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेके आऊँगा, जल्दी से बताइए, या क्वेश्चन में ले आऊँगा लेकिन सॉल्यूशन में तब करवाऊँगा जब आप पहले कमेंट सेक्शन में सारे बताएंगे एक एक बार मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे जानना है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बताइए।
चलिए ये क्वेश्चन करेंगे अगला। देखिए 12.5%, 12.5% का आएगा 1/8। ठीक है, आपके कमेंट बता रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। 1/8, 1/8 को उल्टा करेंगे 8, पावर 3 कर लेंगे 512, 512 का 1/8 करेंगे 64, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 64, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 8, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 64, यहाँ पर 8 और 1। ठीक है जी, अब उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको दे रखा है 12.5 रुपये। देखिए मैंने आपको बताया था 3 साल के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो ये जो नीचे नीचे वाले आंकड़े होंगे इससे बनेगा, 8, 8, 16, 8, 24 और 1, 25। की वैल्यू है 12.5 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1/2। तो एक यूनिट की वैल्यू 1/2 है, तो 512 की वैल्यू 1/2 के हिसाब से हो जाएगी 256 रुपये, और प्रिंसिपल आ जाएगा इस क्वेश्चन का 256 रुपये, 256 रुपीज़। बनाइए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, टाइम है 3 साल, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है 72 रुपये,
तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है ₹72, ₹72 आपको तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और तीसरे साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना था। 12.5% 1/8 उल्टा करेंगे 8 पावर 3 करेंगे 512, 512 का 1/8 64, फिर 512 का 1/8 64 और ये आ जाएगा 8, फिर 512 का 1/8 64, यहाँ पर ₹8 लगेगा, यहाँ पर भी ₹8 लगेगा, यहाँ पर ₹1 लगेगा। अब तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये, और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये, और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, देखो 64 यहां भी है, यहां भी है, 8 यहां भी है, यहां भी है, डिफरेंस कितना है, 8 और 1 9, डिफरेंस कितने का है, ₹9 का, इस 9 की वैल्यू है ₹72, 1 की वैल्यू आ जाएगी 8, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू ₹8 है तो अब पूछा क्या है, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और तीसरे साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है ये पूरा, तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है सिर्फ ऊपर वाला, तो तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और तीसरे साल के सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा ये इतना, 8, 8, 16 और 1, 17, 17 और 17 यूनिट की वैल्यू 8 के हिसाब से हो जाएगी ₹136, ₹136। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ₹136, 8, 7, 56 का 6, 8, 1, 5, 13, ₹136। बनाइएगा, मज़ेदार सवाल है, एकदम बढ़िया सवाल है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है आपसे, प्रिंसिपल है आपका ₹12,600, प्रिंसिपल कितना है ₹12,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14 से 2/7%, 10%, 11 से 1/9%, 14 से 2/7% की फ्रैक्शन होती है 1/7, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 और 11 से 1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9, पहले दूसरे तीसरे साल, टाइम है 3 साल का, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना था। तो देखिए 12,600 रुपये, इसका 1/7 करेंगे ये आएगा ₹1,800, पहले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/7, दूसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/10, इसका 1/10 करेंगे 12,600 का ये आएगा ₹1,260, और दूसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/10, तो 1800 का 1/10 करेंगे कितना आएगा ₹180, ₹180। अब तीसरे साल पे जाएंगे तो 12,600 का 1/9 करेंगे ये आएगा आपका ₹1,400, 1260 का 1/9 करेंगे ₹140, 1800 का 1/9 करेंगे
₹200 और 180 का 1/9 करेंगे ₹20, ₹20, ठीक है। तो ऐसा है, सिर्फ नीचे नीचे वाले जो होते हैं ये होते हैं आपके तीन साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ पर 140 जमा में 200, जमा में 20 और जमा में 180, इसको टोटल करेंगे, ये सब कुछ जोड़ के आ जाएगा आपका ₹540। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ₹540। आप टोटल करके देख सकते हैं, बढ़ाइए। अगला क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। इसमें कह रहा है प्रिंसिपल है ₹2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम है 3 साल, सीआई माइनस एसआई बताना था। देखो भाई, अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 ऐसी है, तब तो
आपका वो मेथड काम कर जाता है, उल्टा करके लिख लो और फिर आगे उसको चलाते जाओ। लेकिन अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐसे आ जाए 8%, 9%, 11%, 13%, 17%, 6%, 7%, तब 3 साल के केस में भी एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, थोड़ा अजीब होता है, इस्तेमाल कभी होता है कभी नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सुनिएगा मेरी बात को, फॉर्मूला होता है 3 years कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 3a.3a² a³% ऑफ प्रिंसिपल, ये होता है ठीक है। अब इसमें जो a की वैल्यू होती है वो होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो a की वैल्यू होती है वो होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां पे एक बात ध्यान रखनी होती है, पहले आपको a की वैल्यू यहां पुट करनी है a क्यूब में, उसके बाद 3a² में और उसके बाद 3a में। अब एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी a क्यूब से आएगा उसके सिर्फ आपको आखिरी के 2 डिजिट लेने हैं, अगर 2 का ही आएगा तो वही 2 ले लेने हैं, 1 का आएगा तो 0 लगा के वो 1 डिजिट लिखना है, 3 का आएगा तो आखिरी के 2 डिजिट लेने हैं, 1 को आगे हासिल कर देना है। उसी प्रकार से 3a² से जो आएगा उसके भी आखिरी के 2 डिजिट लेने हैं बस, बाकी को आगे हासिल कर देना है, और जो 3a है वो तो जितना आएगा उतना पूरा का पूरा ले लेना है हमें। देखिए a की वैल्यू 8 है, अब 8 का क्यूब करेंगे 512, 512 में से सिर्फ 12 को ले लीजिए, 512 में से सिर्फ 12 को ले लीजिए और 5 को आगे हासिल कर दीजिए, 5 को आगे हासिल कर दीजिए। उसके बाद 3a² में पुट करेंगे 8 का स्क्वायर 64 दिया, 192 5 197, इसमें सिर्फ 97 को ले लीजिए, आगे 1 को हासिल कैरी कर दीजिए, 8 दिया 24 24 और 1 25, यानी 25.9712% ऑफ प्रिंसिपल विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। तो 8% की दर से, 8% की दर से जो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो टोटल बनेगा 25.9712%, 25.9712% ये बनेगा आपका ठीक है। और जो डिफरेंस बनेगा 3 years CI-SI, जो डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 0.3a² a³% ऑफ प्रिंसिपल, मतलब इसमें से ये जो 3a है वो हट जाता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट भी 3a होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 3a आता है, वो कट जाता है, ये बचता है। अब इतना अगर देखेंगे इसके अंदर से तो ये आएगा CI-SI, यहाँ पे 1 हासिल आया था, 1.9712% ऑफ 2 लाख, ये अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 19712 अपॉन में 1, 2, 3, 4 गुणा में 100, 40 तो इसके पॉइंट की, 100 आगे परसेंटेज का, गुणा में 2 लाख, 4, 5, 40 से ये 40 चले गए, 10 से ये 10 चले गए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 7 × 14 = 4, 1, 9 × 2 = 18, 19 = 9, 1 × 2 = 3, ये आ जाएगा 3942.40, 3942.40 बनाइए। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा।
कोई और मेथड तो विशाखा फिर वही होगा, और मेथड तो फिर यही होगा कि आप देखो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखिए आप, मैंने आपको ये बता दिया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 8% और 8%, पहले तो इन दोनों पे लगा लें एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100%, तो ये आ जाएगा 8 8 16, 8 8 64, 16.64% और 8%। ये उसके बाद आप इन दोनों पे लगा लें, 16 और 8, 24.64 प्लस में गुणा करेंगे 8 चौक 32 का 2 3, 8 छः 48, 3 51 का 1 आंसर लगा 5, 8 छः 48, 5 53 का 3, 5 8 1 5 और 13, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा आपका, क्योंकि नीचे 2 जीरो भी आएंगे, तो ये वही बन जाएगा आपका 25.9712%, ऐसा। और 8% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 24%, तो 24 और इसका डिफरेंस निकालेंगे, वही आ जाएगा आपका 1.9712%, सेम वही आ जाएगा आपका, ठीक है जी। तो ये आपका मेथड होगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 4,000 रुपये प्रिंसिपल है, 4 साल टाइम है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतने का कितना ब्याज होगा। अब देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, इफ रेट इज 10%, तो जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा 21%, 21%। जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा आपका 21%, जो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा आपका 33.1%, और जो 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा आपका 46.41%, 46.41%। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देखिए कुछ नहीं है, ये कैलकुलेट इसी फॉर्मूले से किया है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100%, ये कैलकुलेट इसी फॉर्मूले से किया है, 2 साल का भी इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, 3 का भी इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, और 4 का भी इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 2 साल का CI 21%, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1%, तो 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 46.41%, कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 10%, ठीक है। अब एक तो पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, जैसे इस क्वेश्चन में तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है, किस पे, 4,000 रुपए पे, तो इतना परसेंट होगा, तो निकाल दो 4641 अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू 4,000, 4,000, 2 0 1 0, ये 3 0 कट गई आपकी, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5, से लगा 2, 4 चौक 16 और 2 18, 18,564, नीचे एक पॉइंट है, 0 है तो पॉइंट लगा दो, 1,856 रुपये 40 पैसे, 1,856 रुपये 40 पैसे, बनाइए ये आंसर है आपका।
अगला क्वेश्चन ये देखेंगे हम, इसमें कह रहा है कि अगर आठवें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 12,100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो आपको नौवें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था। एट्थ ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज 12,100 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, फाइंड नाइन्थ ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए ऐसा होता है भाई, आठवें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 12,100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी 10%। तो आप क्या करिए, आप इस 12,100 का 10% निकाल लीजिए, जीरो से जीरो कट गया, 1210, और इस 1210 को इसी में जोड़ दीजिए, 12,100 जमा में 1210, ये आ जाएगा आपका 0 1 3 3 1, 13,310 रुपये। ये आपका आ जाएगा नौवें साल का नाइन्थ ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। बढ़ाइए, हमेशा ऐसे ही होता है, अगर आपको आठवें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, और उसकी ब्याज की दर भी दे रखी है, तो उसका उतना ही परसेंट निकाल के उसी में जोड़ दो वापस, तो अगले साल का आ जाएगा। अब अगर आप 13,310 का 10% निकाल के इसी में जोड़ देंगे, तो वो दसवें साल का आ जाएगा, और जो दसवें साल का आएगा उसका उतना ही 10% निकाल के फिर उसी में जोड़ देंगे, वो ग्यारहवें साल का आ जाएगा। ये इसी तरीके से आगे बढ़ता चलता है, बढ़ता चलता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है भैया आपसे कि एक अमाउंट है वो 3 साल बाद 12% की दर से हो जाता है 12,000 रुपये, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा। तो देखो भाई यहां पर भी सेम रूल अप्लाई होगा, 12,000 का 12% निकाल के इसी में जोड़ देना, ये आएगा आपका 1440। इसी में जोड़ दो 1440 को 12,000 प्लस में 1440, ये हो जाएगा आपका 04413, 13,440, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 3 साल बाद आपका अमाउंट हो जाता है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 12%, तो 4 साल बाद कितना होगा। तो जो चीज चक्रवृद्धि ब्याज पर अप्लाई होती है वही चीज अमाउंट पर भी अप्लाई होती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, तीसरे साल के ब्याज का उतना ही निकाल के उसमें जोड़ दोगे तो चौथे साल का आ जाएगा, चौथे का उतना ही निकाल के उसी में जोड़ दोगे तो पांचवें साल का आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे 3 साल के बाद का टोटल उसका उतना परसेंट निकाल के जोड़ोगे तो 4 साल के बाद का टोटल आएगा। यह आज का लास्ट क्वेश्चन था, जल्दी से आप इसको बना लीजिए,
इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, इसी तरीके से जुड़े रहिए। दो क्लासेस और होंगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, दो लेक्चर के बाद ख़त्म होगा। कल संडे है, कल छुट्टी रहेगी, अगली क्लास मंडे को होगी। शाम को एडवांस मैथ की क्लास है, ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 6। मिलते हैं शाम को 5 बजे। अब टाइमिंग चेंज हो गया है, 5 बजे का टाइमिंग हो गया है एडवांस मैथ का, 4 की बजाय। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। Thank you.